आ गया सुभान अल्लाह कर दिया तो काम का महत्व बोल दे ये होता फल जाए अच्छा तो हमने लाते पूर्ण बोले मान पर এই জন্য আমরা যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি आशा ऋषि को प्रसन्न किया दुर्योधन ने अपने घर में खूब खिलाया पिलाया प्रसन्न हो जब वर मांगो तो उन्होंने कहा जिससे जैसे आपने हमारे ऊपर में कृपा की ऐसे ही पांडवों पर कृपा करें और उनके यहाँ आप अभी अतिथि होकर के जाइए और आप कृपा करके दोपहर में जाइए दिन ढलते समय में जिस समय द्रौपदी भी खा ले सब लोग खा लिए उनको कष्ट न हो तब जाइए सीधे साधे मानी श्री ऋषि उसे समझ नहीं सके सोचे जो उनके घर में तो बहुत कुछ होगा बना कर फिर उसे फिर हमको खिला देंगे ये तो नहीं जानते थे ये जिसमें गड़बड़ी दुर्योधन चल रहा है उनके पास में एक सूर्य की दी हुई थाली थी बछड़ोही थी युधिष्ठिर को दिया था और कह दिया था ये द्रौपदी उसमें जो रसोई बनाएगी अक्षय होगी और सब लोगों को खिलाने के बाद में अंत में वो खाती है और खाने के बाद में उसको मांस धूप करके सब साफ कर देगी तब हण या कुछ नहीं देगी और नहीं तो जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक जो जितने लाखों लोगों को देगी प्रतिदिन सबको खिलाती थी सोच लिया होगा जैसे अब जरूर वो खा लिया होगा कहिए अब आप जाइए और उनका आतिथ्य ग्रहण ऋषि 7,000 ऋषियों को लेकर के विमल कुंड के किनारे आए जैसे और सब लोगों ने बड़ा उनका अवभगत किया अभिवादन किया उन्होंने कहा आज मुझे बड़ी भूख लगी है भाई मैं अभी सरोवर में स्नान करता हूँ और आप लोग सब ठीक कर रखिए अभी आकर के प्रसाद उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात ऋषि लोग चले गए और स्नान करने लगे और इधर में इन पांडवों को बड़ी भारी चिंता हुई द्रौपदी के पास में गए उन्होंने पूछा बटलोही को धोया तो नहीं अभी अतः धो दिया तो दुर्वासा ऋषि आए हैं कुछ भी भोजन करने से तो वो अभी संपात दे देंगे हम सब लोग अभी उनके अभिशाप से जल मत कर खत्म हो जाए द्रौपदी जी ने बड़ी चिंता की हे प्रभो आप हमारी रक्षा की हे गोविंद राख उसरण अब सब समय आपके अतिरिक्त हमारा और कोई दूसरा नहीं जिसे मैं कुछ कहूँ अब जल्दी से हमारी आन रख दो नहीं तो अभी हम सबको जला कर इतने में देखा जे पास ही से वन में से कृष्ण मुस्कुराते हुए वहां पर उपस्थित हो सब लोगों ने प्रणाम किया कुशल है कि 7,000 ऋषि अभी आए हैं भोजन करने के लिए अभी यदि नहीं दिया जाएगा तो ये हमें जला डालेंगे जी को आश्वास हो गया विश्वास अब तो जान बची किसने कहा कि द्रौपदी तूने खा लिया तो खा लिया बटलोई कहाँ है तो वो तो मांझ करके मैंने उल्टा करके रख दिया अरे जरा लाओ तो सही तो वो ला करके क्या होगा उसमें तो है ही नहीं अच्छा ले आओ तो देखो यदि उसमें कुछ है ले आ करके कृष्ण ने बारीक नजर से देखा वो तो भूल ही गया था कृष्ण ने कहीं से लगा दिया या कहीं से बच गया एक थोड़ा सा पतला सा उसमें लग गया अंत भीतर बड़ा कृष्ण ने उसे बारीक रूप से देख करके उसे अपने हाथों से उसे निकाला और निकाल करके मुख में ऐसे दे दिया और पानी मंगा और पानी खूब पी करके पेट भर गया तृप्तोष्णी डकार दिया खुद से और तृप्तोष्णी कहा उधर स्नान कर रहे तो उनके पेट खुल गए और डकारने लगे कितने में भीम गया गदा लेकर के भीम को देखते ही मांगो नहीं तो आज प्राण रक्षा है एक अम्बरीश से ही तो हम डरे हुए हैं न जाने क्या हो जाती शुक्र सुदर्शन यहाँ पर तो एकदम उनके और प्रिय भक्त लोग हैं कहीं सुदर्शन चक्र घेर करके काट लिया तो खत्म हो गया
बस जल्दी से वहीं से भागे, भुआ स्वाम महज अमर तप सत्य पार करते हुए यहीं पर, जबकि पांडव लोग थे, अरे था यहीं पर जब थे कर्ण, दुशासन और शकुनी, दुर्योधन सब मिलकर के मंत्रणा की आज ही वहां पर आक्रमण करके उनको बंदी बना दिया जाए और खत्म कर दिया जाए, सारा जीवन के लिए झंझट और संकट मिट जाए। बस वहां से लेकर के रात बड़ी भारी सेना चले। सब पितामह ने द्रोणाचार्य ने मना किया तो भी नहीं माने, उनको छोड़ करके आप ये सब बाकी सेनाओं को लेकर के आए। जब एकदम निकट में पहुंच गए तो रसोई बनने लगे। This is Dean Alcon. He smells and then he eats. Look, Badu. 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 Badu